आज आपण या हिंदी में, मालेगावच्या हिंदी पाहायला गया। आज यहाँ मालेगाव में महादेशवार में ये हमारा घरकुल का जो स्कीम चल रहा है उसके तालुका से यहाँ हमने विजिट दिया है। यहाँ पे अभी 1400 घरकुल जो है पूरे तैयार हो चुके हैं। एक फेज में 1440 घर है। ऐसे दो फेज का काम करीबन पूरा तैयार हो चुका है। ये जो घर बनेंगे इसमें पूरा सुविधाएं सब होंगी। इसमें लाइट कनेक्शन, बाद में पानी का प्रावधान, शौचालय का प्रावधान, ऐसी सब सुविधाएं यहाँ पे मौजूद रहेगी। यहाँ पे अभी देख रहे हैं अपन मेरे बाई तरफ, यहाँ पे एसटीपी प्लांट भी हमारा रेडी हो गया है। यहाँ पे पूरा अंडरग्राउंड गटर का सिस्टम है और ये बहुत अच्छी तरह से लोगों को खुला आंगन मिलेगा यहाँ पे। और मालेगांव में जो अतिक्रमित लोग हैं जो अभी छोटे छोटे घरों में बस रहे, पत्रे के शेड में अपना गुजारा कर रहे, उनके लिए ये बहुत अच्छी सुविधा है। यहाँ पे महाराष्ट्र शासन की तरफ से हमने तैयार किए हैं और अभी भी काम जोर से चालू है। मेरी विनती है लोगों को कि यहाँ पे आके ये प्रोजेक्ट एक बार देख ले। यहाँ पे जो बना है बहुत मेहनत से हमारे लोगों ने ये सब काम पूरा किया है और आगे भी करते रहेंगे। तो यहाँ पे आने से गांव में जो अतिक्रमित जगह है वो भी खुली हो जाएंगी। वहाँ पे जो दिक्कत है वो भी कम हो जाएगी। और ये घर सिर्फ 23,000 रुपये के करीब अपन लोगों से पैसा ले रहे हैं। बहुत सस्ते घर है ये और काम भी बहुत अच्छा हो गया। आपने देखा होगा काम, हर बिल्डिंग में 48 फ्लैट है, उसमें भी हर दो चार बिल्डिंग के बीच में लोगों के लिए उठने बैठने के लिए जगह है, बगीचा है। यहाँ पे स्कूल का इंतजाम अपन ने किया है, स्कूल की बिल्डिंग बन रही है और कम्युनिटी सेंटर भी बनाया है जिसमें हमारा ऑफिस रहेगा, कम्युनिटी के लिए कुछ हॉल रहेगा। बाकी यहाँ के रास्ते और स्ट्रीट लाइट का काम भी अभी पूरा हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि लोग इसका बहुत अच्छी तरह से फायदा लेंगे। और अपने मालेगांव का एक नया शहर यहाँ बसने जा रहा है, उसके लिए प्रशासन की मदद करेंगे। वहाँ रह रहे हैं मालेगांव के लिए खुशनसीबी की बात है कि अगर आज 3,000 से जायद मकानात रेडी हो चुके हैं और 4 से 5 लाख रुपए की मिल्कियत उनको सिर्फ जो है 23 से 24 हजार रुपया भर करके मिल रही है, तो पहली फुर्सत के अंदर उनको पैसा भर देना चाहिए और वहाँ पर अपनी रिहाइश पक्की कर लेना चाहिए। वो 5 लाख रुपए की मिल्कियत आज उनको 23 से 24 लाख रुपए में मिल रही है। आज अगर ये नहीं लेंगे तो जिस तरह हजारखोरी की स्कीम को रद्द करने की वजह से लोग पशेमान थे और पछता रहे थे, इस स्कीम को अगर कबूल नहीं करेंगे तो उनके लिए भी पछताने की बात है। शहर में जो लोग डीपी रोड पर बसे हुए हैं, जो ओपन स्पेस पर बसे हुए हैं, उनके लिए ये मौका है। अगर उन लोगों ने पैसे नहीं भरे तो भी कॉरपोरेशन इनको वहां से उजाड़ देगी, ये बेघर हो जाएंगे, इनके सर पर छत नहीं रहेगी। इसलिए इनको आज पहली फुर्सत में पैसा भर करके वहाँ पर शिफ्ट होने की तैयारी करना चाहिए। ये उनके लिए एक खुशनसीबी का मौका है, उनके आने वाली नस्लों के लिए उनका अपना जाती मकान होगा और फिर कहीं उजाड़े जाने का किसी तरह का कोई अंदेशा नहीं होगा। वहाँ पर जो है लाइट की, बिजली की, पानी की और इसी तरह जो है दूसरी तमाम सुविधाएं वहाँ पर दी जाएंगी। एक न्यू मालेगांव सिटी वहाँ बसने वाला है।